गाइस वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यार आज हमें जाना है कहीं, तो चलते यार, बहुत गर्मी आज, किधर तो भी जाते हैं, देखते हैं। नहीं मैं क्या बोल रहा, सुन ना, तुम्हारा जो फार्म है ना वहीं पे चलते हैं यार, मैंने भी नहाया नहीं है। हाँ, तो वहीं पे जाना है दोस्तों, और वहाँ पे हमें ना रिवर फिशिंग भी करनी है, ठीक है। और कुछ खाना बनाने का सोचते भाई, ठीक है, टाइम रहा तो हम जरूर वो ट्राई करेंगे। यार ये कहाँ गई स्कूबी, चल। ये क्या है भाई, कुछ भी ना खाया कर यार। ये देखिए क्रीम का ही, और हमारे रस पे और सिम्बा का क्रीम का ही खा रही है। इसको भी तू भी आ रही क्या हमारे साथ? ओए तुझे नहीं ले जा सकते भाई, तू ऐसे ही करती भाई, इसी की वजह से तुझे हम नहीं लेके जाने वाले, ठीक है भाई। ये थोड़े और 4-5 महीने की हो जाए दोस्तों, इसे भी हम हमारे साथ लेके जाने वाले हैं भाई, ठीक है ना। ये देखो भाई, ओए अरे यार स्कूबी शांत रहा करना भाई, एक मिनट तो शांत रहा कर, एक सेकंड भाई, एक मिनट छोड़, एक सेकंड तो शांत रहा कर। कंटिन्यू खेलते रहती है भाई, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है यार। सो लास्ट टाइम हम रिवर फिशिंग में गए थे तो वहां से हम बहुत सारी बार फिश लेके आ गए थे, जो कि इस वाले टैंक में मैंने रख दिया था इनको। देखो यार ये हमारी सारी बार फिश हो गई दोस्तों, और मैंने इनको खाना भी दिया यार, मतलब 2 दिन से आराम से खाना भी खा रही है, मतलब इनको अभी कोई दिक्कत नहीं यार हमारे सेटअप में, फीडिंग वगैरह प्रॉपर ये ले रही है। अभी ये बहुत जल्द हमारे टर्टल पॉन्ड में शिफ्ट होने वाली है दोस्तों। भाई आज तो हम रिवर फिशिंग के लिए जा रहे हैं, और वहां से कोई और नई फिश मिल जाए तो इनको और वो जो न्यू वाली फिश होंगी, हम सारे फिशेस को हमारे टर्टल पॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे। ये देखो स्कूबी, चल 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 स्कूबी। अरे ध्रुव क्या कर रहा है भाई, नेट खराब कर देगी यार, ये अच्छी नेट है यार, चल 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 भाई। स्कूबी का है कि दोस्तों कि यार ये बहुत ज्यादा शरारती है, बट ये हमारे फिश टैंक के, मतलब कभी फिश टैंक के साथ कभी खेल देने भाई, मतलब एक भी वायर अभी तक इसने डैमेज नहीं किया है। नहीं तो हमारा रस्टी, सॉरी हमारी जो ब्लैकी रैबिट थी ना भाई, वो फिश टैंक उनकी सारी वायर भाई खराब कर देती थी। सिर्फ हमारे जो स्कूबी है तो सिर्फ ये यहाँ पे खेलती है। एक मिनट हमारे जो गोलगप्पीज है वो भी देख लेते भाई क्या हालत में। ये देखो ध्रुव सारी एक्टिव है भाई। ये देखो एक ये वाली फीमेल बैठी है, बाकी यहाँ पे है भाई। ये देखो भाई, ये देखो, वाह 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 वाह। और कहाँ गई यार, वही एक ही हो गई कहाँ पे? हाँ यहाँ पे दो है, मैं डर गया ना यार, कहाँ गई है बाकी की? ऊपर से पूरी गोल्ड लगती है ध्रुव, ये जब पॉन्ड में जाएंगे ना और अच्छी लगेगी। नहीं मैं क्या बोल रहा, इनका जब यहाँ पे बहुत बड़ा झुंड हो जाएगा ना, तब देखने को इनको अलग ही मजा आने वाला है भाई। पहुंच रहा है दोस्तों, अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम निकलते हैं हमारे लोकेशन पे। तो चलो भाई अभी आपको मिलता हूं सीधा में लोकेशन पे। तो अभी थोड़ी देर में हमारा लोकेशन आने वाला है भाई, तो चलो भाई चलते हैं। हमारे यहाँ पे ना दोस्तों अभी समर का सीजन स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी भी बढ़ चुकी है भाई, इसी की वजह से नदियों में पानी पूरा अभी खाली होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो चलो भाई कुछ फिशेस को हम हेल्प भी कर देंगे, और कुछ फिशेस को हम घर भी लेके जाएंगे। पानी देखो भाई कितना खूबसूरत है, मतलब पूरा क्लीन वाटर है भाई ये, पूरा का पूरा नीचे का जो स्टोन है ना भाई वो भी दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी फिशेस भी दिख रही है यार हमें। तो चलो यार दोस्तों अभी हम जल्दी से जल्दी अभी फिशिंग करने निकलते हैं। तो अभी हम नीचे उतर चुके हैं, क्योंकि भाई हम ऊपर थे तब, अभी हम नीचे उतर चुके हैं, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ भाई बहुत सारे छोटे छोटे फिशेस है जो कि अभी हमें पकड़ने हैं यार। ये देखो भाई यहाँ का पूरा पानी क्लीन है भाई, पूरा अंदर का सारा कुछ दिख रहा है। एक मिनट भाई, दिखा आराम से। कौन से भाई? ओ भाई ये देखो भाई, ये ना दोस्तों, ओहो वाव, इसका पैटर्न देखो भाई, इसको निकाल लेते हैं भाई पहले। ये देखो दोस्तों कितना चमक रहा है भाई ये, और है क्या? तो देखो यार यहाँ का पूरा पानी भाई, नीचे का सारा सरफेस दिख रहा है हमें। ये देखो भाई साहब, ओहो ध्रुव नेट दिखा, जल्दी दे नेट। तो ना भाई यहाँ पे मैंने ना फिशेस देखे है, बट यार सारे छोटे फिश है भाई। एक मिनट इनको ट्राई करके देखता हूँ भाई, आ जाओ भाई। ओए आ गए ध्रुव, जल्दी आ भाई। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो भाई कितने सारे छोटे छोटे बच्चे मिले भाई हमें। यार ध्रुव अपन ने बच्चे नहीं लेके जाने यार, ठीक है ना, क्योंकि हाँ, यार ये हमारे यहाँ पे ना ग्रो नहीं हो नहीं पाते भाई, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने जितने भी बच्चे लेके गए ना घर पे, तो एक भी ग्रो नहीं हो पाता भाई। ये देखो यार यहाँ पे 2-3 वैरायटी के फिशेज के बच्चे, छोटे बड़े पानी में छोड़ दें इनको, छोटे बड़े पानी में। ओके यहाँ पे भी भाई देख, यहाँ पे ना दोस्तों क्या हुआ है, ये जो नदी ना भाई ये इसी बह रही है, ठीक है, और यहाँ का जो पानी का कनेक्शन है भाई पूरा मिट चुका है। जैसे यहाँ पे धूप कम हो जाएगी ना भाई, सारे मतलब पानी पूरा सूख जाएगा, और यहाँ के सारे फिशेज मर जाएंगे। तो ध्रुव अपन क्या करते हैं ना, सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से उठा करें ना बड़े पानी में छोड़ देते यार, चल ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें ना ऐड करनी है नेट, आ जाओ भाई आ जाओ, जितने आएंगे उतने भाई, क्योंकि एक ही गो में यहाँ का सारा पानी
खराब हो जाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो यार कितने सारे बच्चे आ गए, तो चलो दोस्तों मैं इनको ना बड़े पानी में छोड़ देता हूँ। इधर आ दो मिनट, इनको पकड़ पकड़ जल्दी पकड़। ये देखो यार भाई, भाई क्या चमक रहे है यार ये फिश। ये देखो यार इतने सारे फिश हमें मिले वहां पे, जो कि अभी अलग ही भाई। हाँ ना यार, इनका कलर देख यार, चमक रहा है यार, चमक रहा है भाई, चमक रहे भाई सारे फिश यहाँ पे। तो चलो दोस्तों अभी हम ना इनको यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। जाओ भाई जाओ, यहाँ पे बड़े पानी में अच्छे अच्छे ग्रो हो जाएंगे भाई। एक गए भाई सारे फिशेस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ना सारे बच्चे रिलीज कर दिए। क्या सच में? ओए ध्रुव सारे भाई साहब, ये देखो दोस्तों भाई इतने सारे बच्चे ध्रुव। मुझे तो ऐसा मन हो रहा है भाई इनको मैं घर पे लेके जाऊँ यार, लेकिन हमारे यहाँ पे वो नहीं यार, ग्रो नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये देखो यहाँ का भी पानी पूरा सूख चुका है, मतलब थोड़े दिनों में, एक दो दिनों में बाद ये पूरा पानी सूख जाएगा भाई। तो चलो दोस्तों इनको भी मैं अभी रिलीज कर देता हूँ बड़े पानी में। तो जाओ भाई इनको यहाँ पे छोड़ दे ध्रुव। ओ भाई साहब ये देख सकते हो दोस्तों कितने सारे फिश मिले भाई, ये पोलर पायरेट के जो बच्चे होते हैं उनके जैसे दिख रहे हैं यार। जाओ भाई जाओ 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 जाओ, ये देखो यार वाओ, भाई कितने तेज है यार ये, एक सेकंड में भाग गए, भाग गए, भाग गए यार। ये देखिए देख, बाकी 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 ये छोड़ दे भाई, 100 के आसपास होंगे ध्रुव यार। तो यहाँ का भी जो पानी ना कम हो चुका है, जो कि अभी ध्रुव यहाँ पे ट्राई मार रहा है, और यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे। ध्रुव आराम से, अलगी है भाई। अलगी है? सुन सुन सुन, उस अलगी में भी हो गया यार थोड़े बहुत बच्चे। तू क्या करू, अलगी ना पूरे बड़े पानी में छोड़ दे ध्रुव वहाँ पे। हाँ यार, क्योंकि ना थोड़े बहुत बच्चे से हो जाएंगे यार। तो दोस्तों अभी हमने सोचा कि थोड़ा आगे जाया जाए, क्योंकि ना आगे और थोड़ा पानी कम है यार। को भाई यहाँ पे कौन आया हुआ है? हेलो गॉड्स, ओए हमें जाने दो भाई आगे। ये देखो भाई यहाँ का भी पानी देख सकते हो दोस्तों, पूरा का पूरा जो वाटर है ना क्लीन है भाई नीचे से, बट ये कितना गहरा है भाई बिल्कुल भी ना अंदाजा नहीं इनका। ये देखो गोट्स कैसी यहाँ पे खाना खा रही है उनका। ये पड़ू नहीं जाता, खाली पड़त नहीं भाई। ये देखो ये कैसी भाई नीचे आराम से पानी में गिर सकती है भाई। चलो भाई मुझे जाने दो भाई आगे, नहीं तो मैं गिर जाऊँगा भाई। ओए रुक रहे भाई, चलो 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 भाई, आओ भाई जाओ जाओ आगे जाओ। ओ भाई इनकी ग्रिप देखो यार। और दोस्तों यहाँ का जो पानी ना यार, ये भी देखो यार पूरा का पूरा पानी भाई क्लीन है नीचे का जो। भाई कितने बड़े फिश है भाई, बट इनको हमें पकड़ना नहीं क्योंकि भाई हमने मिल लेने वाले भाई, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ट्राई करे ये बिल्कुल भी नहीं मिलते भाई। इसके नीचे देखते हो भाई कुछ मिले हमें? नहीं भाई कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जस्ट एक फिश पकड़ा है, जो कि ये देखो यार ये भी छोटा बच्चा ही है यार। दिखा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसके ऊपर ना स्ट्रिप है यार। ये देखो ओहो कितना क्यूट है यार, ये देखो इसका कलर भी देखो यार, है ना क्यूट। जाओ भाई तुम भी जाओ। गया भाई, इतना तेज था ना, दिखा भी नहीं गया ये सर। दोस्तों मैंने हमारे ध्रुव भाई के लिए एक स्विमिंग के लिए अच्छा सा पूल ढूंढा है, जो कि ये वाला है। ठीक है जाना, फिर जाना जाना भाई, इतना तो थोड़ी बहुत गहरा है भाई, जाना अंदर अच्छे से, तू जाना फिर इधर आराम से। तू तू कब का ढूंढ रहा है ना, मुझे तैरना है तैरना है, फिर जा भाई यहाँ पे अच्छा सा पूल है भाई ध्रुव के लिए, एकदम अच्छा सा पूल है भाई। ध्रुव ध्रुव एक मिनट, हाँ इधर इधर बड़े यार, एक मिनट एक मिनट। अरे नहीं मिलने वाले ध्रुव, तुझे लग रहा है वो कम पानी है ध्रुव, मत यार नहीं मिलेंगे यार कुछ नहीं। चल ट्राई मार चल। दोस्तों यहाँ पे मुझे ना एक छोटा वाला क्रैब मिला है, जो कि आपको दिखाता होगा मैं। इसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ का जो पानी ना भाई बहता हुआ है। ठीक है तो ये यहाँ पे यार यहाँ पे छुपा है, एक मिनट मिल जा भाई। ओ भाई ध्रुव पकड़ लिया भाई मैंने एक छोटा क्रैब। ये देख यार क्रैब का बच्चा, ध्रुव से पकड़ जल्दी, मुझे काट रहा है। पकड़ 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 हाथ में पकड़े से। अरे आराम से हल्की भाई, नीचे जाएगा तू डायरेक्ट। पकड़ी से पकड़ पकड़, ये देखो यार कितना क्यूट क्रैब है, पकड़ी से। अरे भाग जाएगा यार ये देख देख। अरे कुछ काटता नहीं यार, नहीं नहीं मुझे काटा इसने कुछ नहीं। एक मिनट इसे हाथ ओपन करना, दो हाथ ओपन करना। ओए बड़ा यार ये बच्चा नहीं भाई, ये देखो यार कितना क्यूट है ये। वाह एक मिनट इसे पकड़ना तू ओपन। हाँ बस बस बस, ये देखो यार कितना शांत है यार ये। हेलो ओए भागेगा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, एक मिनट। ओए 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 ध्रुव एग्रेसिव हो रहा भाई ये, भाग गया। एक मिनट इस स्टोन के नीचे। ओए आराम से यार, आराम से यार,
आ जा भाई, अब कुछ नहीं करने वाले भाई तुझे, जा भाई बड़े पानी में, ये देखो भाई गया। किसे तैरते भाई यही से टेढ़े टेढ़े, ये वाला स्टोन उठा। ये क्या है भाई ध्रुव, ये क्या चीज है भाई? एक मिनट, मुझे कुछ दिखा था भाई छोटा सा, ये कीड़ा है क्या? मेंढक है छोटा? नहीं कीड़ा है, कीड़ा है, मुझे मेंढक लगा भाई, तो सा मेंढक होता है भाई। यहाँ पे भी कुछ होगा ही होगा। ओ भाई साहब ये देख, यहाँ पे कुछ छेद ध्रुव भाई, ये नहीं भाई कीड़े, ये कीड़े है, पानी पानी वाला, इसमें तो कुछ जरूर होगा भाई। हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं भाई, बेहता पानी, बेहता पानी है। हाँ श्रिंप है भाई, श्रिंप का श्रिंप। नहीं श्रिंप मत यार, हमारे पास बहुत सारे श्रिंप हो चुके हैं। ध्रुव यहाँ का पानी देख यार, पानी वाले सारे प्लांट्स है भाई यहाँ, और यहाँ का पानी ही छोड़ भाई, ये देख कैसा ऊपर ढलान है भाई, ये देख ना। नहीं ये प्लांट्स की वजह से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उनके जो रूट्स है ना वो ना भाई, उनके जो मिट्टी ना वैसे पकड़ के रखी है, तो ये नीचे नहीं आएगा भाई। एक मिनट भाई, इस स्टोन के नीचे कुछ गया है ध्रुव, मैंने देखा था भाई अभी है कुछ तो इसके नीचे। हाँ एक मिनट आराम से, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये वाला देख बार ध्रुव, इधर आ इधर आ इधर आ इधर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ना यार एक गुफा देखा है। ओ भाई साहब, कितना बड़ा गुफा है यार यहाँ पे। चल अपन जाते, चल अंदर आराम से, तुम आराम से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक बड़े साइज का गुफा देखा है, जो कि ये देख सकते हो भाई। ओए ध्रुव कितना बड़ा गुफा है भाई ये। ओए एक मिनट आराम से भाई, फिसलन बहुत ज्यादा है भाई यहाँ पे। ध्रुव आराम से। हाँ ओ भाई साहब, ऊपर तो कुछ है यार। ओ गुफा भाई, कितना खतरनाक है ध्रुव। मुझे तो डर लग रहा है भाई यहाँ पे। भाई आगे नहीं चलते है ना, चल वापस चलते यार, खतरनाक है। आराम से, यहाँ पे कोई रहता है ध्रुव ऐसा मुझे लगता है। देख यहाँ पे ना इसी की वजह से, हाँ कोई रहता होगा भाई यहाँ पे। लोकेशन कितना ब्यूटीफुल है भाई, कोई तो रहता ही होगा यहाँ। और दोस्तों हमें एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पे एक झरना भी दिखा है। ये देख ध्रुव, ये पानी पीने का होगा ध्रुव शायद से, है ना? क्योंकि डायरेक्ट ना भाई अंदर से आ रहा है भाई, जमीन में से पानी आ रहा भाई ये, है ना ध्रुव? मुझे तो लगता है भाई ये पूरा प्यूरिफिकेशन होके आ रहा होगा भाई। ये नदी का तो नहीं पी सकते अपन, ये पी सकते है भाई पीने का। फिर तू पी के दिखा मुझे पहले। हाँ, मैं पी के दिखता हूँ। दोस्तों हम थोड़े आगे आए ना, और एक हमें यहाँ पे एक गुफा मिला, जो कि ये देख सकते हो भाई। और यहाँ पे भी एक गुफा है, और वो बड़ी वाली गुफा यहाँ पे है। कितना बड़ा साइज का है भाई ये, असल में कैमरा में आपको ना छोटा दिख रहा होगा, असल में बहुत बड़ा है भाई, ठीक है ना? एक बड़े रूम के जितना जितना हॉल होता है ना भाई, उतना बड़ा गुफा है, उससे भी बड़ा होगा भाई ये। और ये थोड़े छोटे हैं, ये भी देख सकते हो, ये भी बहुत बड़े साइज का है। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे जंगली जंगली जानवर वगैरह ना वो रहते होंगे, बट यहाँ पे आजू बाजू में फार्म वगैरह है, तो इसी की वजह से ये नहीं रह पाते होंगे यहाँ पे। ये देखो भाई साहब, और यहाँ का भी पानी देख सकते हो, पूरा का पूरा पानी क्लीन है। पी रहे क्या भाई पानी? अच्छा है ध्रुव, अच्छा है। ओके चल मैं भी ट्राई करता हूँ। वो काफी ठंडा पानी है ध्रुव, बहुत अच्छा पानी है भाई। सही है भाई। तो दोस्तों हम इस लोकेशन पे आए और काफी ज्यादा फिशेज भी पकड़े, बट यार छोटे छोटे थे यार, ठीक है ना दोस्तों? और छोटे छोटे जो पानी के तालाब बने थे, तो उसमें से जो छोटे छोटे बच्चे थे फिशेज के, तो उनको उठाकर हमने बड़े पानी में छोड़ दिया, क्योंकि भाई थोड़े दिनों में, मतलब 4-5 दिन, मतलब एक हफ्ते के बाद भाई पूरा सूख जाएगा वो, ठीक है? और वो सारे फिशेज मतलब ग्रो नहीं हो पाएंगे यार। और हमने फिर सारे बच्चे उठाकर हमने बड़े वाले पानी में छोड़ दिए, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई यहाँ पे, ठीक है दोस्तों? अभी तो बाकी यहाँ पे थोड़े दिनों में पूरा पानी कम हो जाएगा, तब हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे एक ट्राई मारने के लिए, क्योंकि हमने बहुत बड़े साइज के फिशेज देखे हैं, ठीक है दोस्तों? और देखते हैं, चलो निकलते ध्रुव अभी। मजा आया ना भाई आज, बहुत मज़ा किया भाई आज। और दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ा बहुत है ना ऐसे नेचुरल भाई, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, ये नेचुरल पौधे भाई। और यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, इसी की वजह से टपक रहा है। हाँ ना ना ना, बहुत ही ज्यादा इसी की वजह से ध्रुव ये वाले प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हुए, और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लुक भी लग रहा है भाई। और ये जो मतलब अपन एक्वास्कोपिंग वगैरह करते हैं ना, उसके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है यार, कितने क्यूट लग रहे हैं पौधे भाई, है ना? वाह, एक मिनट आराम से ध्रुव, फिसलन बहुत ज्यादा है भाई यहाँ पे। ये किसने बनाया है ध्रुव, है ना? ये देखो यार, यहाँ से सब पानी आ रहा है यार, यहाँ से सब पानी जा रहा है। यहाँ का नजारा देखो भाई, अच्छा है भाई, है
जबरदस्त। तो मैं अभी रिवर फिशिंग से तो आ चुका हूँ और अभी हमारे टेरेस को पूरा क्लीन करते हुए 2 दिन हो चुके यार, ठीक है। और हमारा बड़ा वाला पॉन्ड भी देखो भाई, सिर्फ 2 दिन सूखते हुए हो ही चुके होंगे यार। ये देखो अभी अच्छे से इसे सूखने देने वाले भाई हम, फिर इसमें हम पानी भरेंगे और न्यू सेटअप यहाँ पे करने वाले। और टबों पर मेरे पे पानी भरना है और यहाँ पे भी मैंने पानी भर के रखा है क्योंकि यहाँ पे आने वाली भाई हमारी न्यू वाली फिश, जो कि इसे 2 दिन पहले हमने पानी भर के रखा है, फिर हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं भाई। अभी कल तो आ ही जाएगी। और मैंने यहाँ पे कुछ एप्पल स्नेल्स के छोटे छोटे जो बच्चे निकले टब सेटअप में, तो यहाँ पे मैंने उनको छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ी बहुत अलगी वगैरह होगी ना, ये सारे क्लीन कर देंगे। तो हमारे जो टेरेस पे ना यार पूरी सनलाइट आती है, ठीक है। और ये बाकी जो प्लांट्स है ना अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं यार। और यहाँ पे भी अभी हमें प्लांट्स ऐड करने हैं इन वाली कुंडियों में, तभी हमारा ये वाला सेटअप अच्छा लगने वाला है भाई। और यहाँ पे अभी कौन सा प्लांट ऐड करें आप ही मुझे कमेंट से बताना है। तो अभी हमारे जो टब्स हैं ये मैं जल्दी जल्दी भर लेता हूँ। और यहाँ पे भी यार हमें न्यू वाली फिशेस ऐड करनी है। तो चलो यार दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।